पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में आज पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, सरकार पेट्रोल डीजल गैस पर बढ़े हुए रेट वापस ले। महंगाई बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव अनीस कुरैशी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। धरना प्रदर्शन करने वाले पीस पार्टी के मुताबिक उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करें और केंद्र सरकार को नींद से जगाना है और बढ़ती हुई महंगाई को कम कराना है। कुरैशी है, पीस पार्टी का प्रदेश महासचिव और पीस पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ। आज ज्ञापन के माध्यम से पीस पार्टी महंगाई के विरोध में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए जमा हुई है। ये एक दिवसीय कार्यक्रम हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है कि जिस तरीके से आज पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, आज रसोई गैस की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आज खाने का तेल 200 सवा 200 240 220 हो गया, इससे जो महंगाई बढ़ी है इस स्तर पर बड़ी तादाद में बजट गड़बड़ा गया है, बड़ी तादाद में लोग बेकाबू भूख से मर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, रसोई की थाली का बजट गड़बड़ा गया है, एक आम आदमी गरीब आदमी दाल रोटी भी नहीं खा पा रहा है। इसी के विरोध में पीस पार्टी आज अपनी आवाज़ महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुँचाना चाहती है, जो सरकार बहरी हो चुकी है, इसलिए हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं पीस पार्टी की तरफ से, कि पीस पार्टी चाहती है कि भारत सरकार जल्द महंगाई पर काबू करे ताकि रसोई के गैस के दाम कम हो, डीजल के दाम कम हो, पेट्रोल के दाम कम हो और बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश रखे और देश के अंदर खुशहाली, जब वादा किया था सरकार ने, खुशहाली आ सके। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।